अब बढ़ते हैं आगे। निजी स्कूल संचालकों ने खट्टर सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। निजी स्कूल संचालकों ने ऐलान कर दिया है कि जब तक खट्टर सरकार गरीब बच्चों को पढ़ाने की एवज में निजी स्कूलों का बकाया यानी कि 500 से 600 करोड़ रुपया नहीं दे देती, तब तक 134 के तहत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को दाखिला नहीं दिया जाएगा। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने आरोप लगाया है कि सरकार जब सांसद और विधायकों के भत्ते नहीं रोकती तो निजी स्कूलों का बकाया क्यों रोक रही है। उन्होंने पूछा कि खट्टर सरकार बताए कि निजी स्कूलों को पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है, निजी स्कूल संचालक 134 के तहत गरीब बच्चों को दाखिला क्यों नहीं दे रहे हैं। इस बारे में खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा से। निजी स्कूल मालकों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक खट्टर सरकार गरीब बच्चों की पढ़ाने की एवज में भुगतान नहीं करती तब तक 134A के तहत कोई भी दाखिला नहीं देंगे। इस समय मेरे साथ हैं निजी स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा, इनसे जानते हैं कि वो ऐसा ऐलान क्यों कर रहे हैं। जी, ये ऐलान हमें बहुत मजबूरी में करना पड़ा क्योंकि 5 साल इस सरकार के होने को आ रहे हैं और अब इलेक्शन ड्यू है। अगली बार ये सरकार आती है नहीं आती ये तो जनता इसका फैसला करेगी, लेकिन अपने कार्यकाल में एक भी पैसा गरीब के खाते में जो इनको देना था इन्होंने दिया नहीं। हमने इनकी बात मानकर हाई कोर्ट के भी निर्देश माने कि आपको बच्चों को दाखिला देना होगा, हमने दिया। सरकार ने कहा कि आप दाखिला दें हम इसका भुगतान करेंगे, लेकिन बड़े खेद की बात है कि बच्चों का भुगतान पूरे अपने कार्यकाल के अंदर खट्टर सरकार ने नहीं किया। और एक तरफ सरकार कहती है धन की कोई कमी नहीं है, सरकार को बहुत मजबूत हमने कर दिया है, तो जो सरकार गरीब का ही पैसा नहीं दे पा रही, एक प्रश्न चिन्ह सा लग रहा है सरकार के ऊपर कि क्यों नहीं सरकार का पैसा गरीब का पैसा दे पा रही। क्या किसी MLA MP का भत्ता रुका है? मैं एक सवाल जानना चाहता हूँ खट्टर साहब से कि क्या आपने उनके जो भत्ते जो हैं वो रोके हैं, या जो सरकारी एम्प्लॉइज हैं उनके बच्चों को भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के 1125 रुपये प्रति माह मिलते हैं, तो खट्टर साहब बताएं कितने बच्चों को उन्होंने नहीं भुगतान किया। तो जब गरीब हितैषी बनने की आप बात करते हैं और एक भी गरीब को पैसा नहीं देते, जनता सारी बात को समझने लग गई। हमने भी बहुत खामोशी पहले अपनाई कि नहीं ये सरकार जो है सही ढंग से काम करे भी गरीबों का पैसा देगी, लेकिन 4.5 साल में पैसा नहीं दिया। सरकारी एम्प्लॉइज के बच्चों को मिल रहा है, सारे MP MLA अपने पूरे भत्ते जो है ले रहे हैं, लेकिन इन गरीबों के लिए पैसा क्यों नहीं है? शर्मा जी, गरीब बच्चों का क्या कसूर है जिसको आप दाखिला नहीं दे रहे हो? बिल्कुल सही बात है, गरीब बच्चों का कोई कसूर नहीं है, हम भी मानते हैं, और हमने 5 साल से गरीब बच्चों को पैसा दाखिले भी दिए हैं। हमारे पास जो दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी गरीब है। देखिए, सिर्फ एक कुछ व्यक्तियों के लिए हमारे पे थोप देना कि हम गलत हैं, हमने 5 साल बच्चे पढ़ाए भी तो हैं, और जो दूसरे बच्चे हैं वो भी गरीब। अगर ये पैसे नहीं देते हैं तो क्या उनका बोझ उन पर नहीं जाएगा? तो ये भी सोचना चाहिए गरीब व्यक्तियों को, जो जिनके बच्चे दाखिले के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, मुझे लगता है उनको भी हमारा साथ देना चाहिए और सरकार से प्रश्न पूछना चाहिए कि आप पैसे क्यों नहीं दे रहे। वजह सिर्फ पैसे की, और दूसरी वजह क्या है कि जो सर्टिफिकेट लेकर लोग लेके आ रहे हैं बहुत सारे गरीब जो हैं वो नहीं है, उससे उचित जो गरीब हैं उनका हक मारा जा रहा है। आप इस पर देखें कितने बच्चे सरकारी स्कूल से आए, कितने BPL हैं, 2 लाख की इनकम में कोई 1-1.5 लाख का जाके तहसीलदार के पास जाते हैं और वो वहाँ पर ठप्पा लगा के सर्टिफिकेट बना देते हैं, जिससे उचित जो गरीब हैं उनका भी हक मारा जा रहा है। हम कह रहे हैं इनके भी सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन होनी चाहिए। शर्मा जी, चुनाव जिस तरह चल रहे हैं, चुनावों की वजह से आपने ऐलान तो नहीं कर दिया कि खट्टर सरकार जब तक भुगतान नहीं करेगी तब तक गरीब बच्चों को दाखिला नहीं दोगे आप? देखो, चुनाव का इससे कोई मतलब नहीं है, तो सरकार का टेन्योर ही पूरा हो रहा है। अगर हम इस समय खट्टर सरकार से पैसा या हिसाब नहीं मांगेंगे और 5 साल के बाद राजनीति में कोई भी स्थायी नहीं है, हो सकता है इनकी सरकार आए ना आए, खट्टर साहब मुख्यमंत्री हो या ना हो, तो क्या इनसे हिसाब मांग रहा हमारा नाजायज है? भाई, पूरा टेन्योर आपने पूरा कर लिया, अपने सारे भत्ते आपने ले लिए, अपने सारी सुख सुविधाएं आपने जो है अवेल की, तो इन गरीबों का पैसा देना अपने कार्यकाल में ही इनको देना पड़ेगा, इसलिए नहीं तो अदरवाइज दूसरी सरकार आती है वो कहते पिछली वाले खड्डे छोड़ गए। चलो, पिछलों ने खड्डे छोड़े थे, आप खड्डे छोड़ के क्यों जा रहे हो भाई? अगर आप 500-600 करोड़ बकाया छोड़ के चले जाओगे और दूसरी सरकार आएगी और हम उससे मांगने लगेंगे, वो कहेंगे पिछले से क्यों नहीं मांगे थे, हम 500-600 करोड़ कहाँ लेके आए? तो जो जिसने राज किया है उसी को अपने टेन्योर का भुगतान करके जाना होगा। ये आज केंद्र की सरकार भी कह रही है कि पिछले 70 साल में बहुत खड्डे हुए, तो आप ये खड्डे क्यों करने जा रहे हैं?
आपको नए खड्डे नहीं करने चाहिए। ये थे मेरे साथ निजी स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा। इन्होंने खट्टर सरकार को स्पष्ट कर दिया है, जब तक सरकार निजी स्कूल मालकों का भुगतान नहीं करेगी तब तक वो 34A के तहत गरीब बच्चों को दाखिला नहीं देंगे। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज़ चंडीगढ़।